गाइस देखो, इतना रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए, मैं इसके 24वें फ्लोर पे जाऊंगा और वहां से ना आपको व्यू दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन का। सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। तो गाइस, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट शूट करने वाला ट्यूलिप मोंजेला। सेकंड वीडियो है मेरे से, पहले मैं ऑलरेडी बना चुका था, बट क्योंकि के प्रोजेक्ट ना जैसे साल डेढ़ साल में कीप्स चेंजिंग, ज्यादा कंस्ट्रक्शन फीस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा अपग्रेड हो जाते हैं, तो मतलब उस हिसाब से तो हमें कई बार नए वीडियोस भी बनाने होते हैं, ज्यादा डिटेल्स आ जाती है, कई बार डिटेल्स कम होते हैं आपके पास। प्रोडक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। जनरली आपने देखा होगा मैं मिड लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स आपको बनाते रहता हूं, दे आर कैटेगराइजेशन, ये अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि नेचुरल सी बात है, दिस इज ऑन द गोल्फ कोर्स रोड, दे हैव गॉट गुड स्पेसिफिकेशन, पूरा सिंगापुर थीम में बनाया है, कंप्लीटली कार फ्री है, दे हैव अ क्लब ऑफ 75,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब है, 35,000 फुट का स्काई वॉक है, उसके अलावा 2.5 एकड़ का इन्होंने स्पोर्ट्स एरिना दिया, वो भी डबल हाइटेड, 2.5 एकड़ के हिसाब से प्लस कर दो तो 5 एकड़ हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो दिस इज अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन भी दे आर यूजिंग M60 ग्रेड MY1, तो बेस्ट इन द इंडस्ट्री, सो अमेजिंग प्रोडक्ट है। अब क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी दिखने लग गई है साइट पे, तो आप देखोगे ड्रोन शॉट भी हम यूज करेंगे, मैंने वैसे परमिशन लिया है, मैं जाऊंगा भी कंस्ट्रक्शन साइट पे और आई विल ट्राई टू शो यू बेस्ट ऑफ द थिंग्स। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ध्यान से समझना, देखो कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट है, मे बी हो सकता है यू विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, बट क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होता है ना, कई बार आप सोचोगे कि यार व्हाई एम पेइंग सो मच मनी, तो उस तरीके से चीज होती है। गोल्फ कोर्स रोड लोकेशन के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इट्स द मोस्ट प्रीमियम रोड ऑफ गुड़गांव, आप जितने भी डीएलएफ अरालियाज मैग्नोलियाज कैमिलियाज देखते हो तो वो सारे ना यहीं से दिख जाते हैं, आपके वरंडाज एंड ऑल सारी चीजें, तो इट्स अ हब। गोल्फ कोर्स रोड पे रहना आज के डेट में प्राइड की बात है, कनेक्टिविटी वाइज आप हर जगह से कनेक्टेड हो, यू वॉन्ट टू गो टू साइबर सिटी, यू वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, यू वॉन्ट टू गो टू फरीदाबाद, यू वॉन्ट टू गो टू एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, एवरीवेयर कनेक्टेड। ग्रीनरी बहुत ज्यादा है क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पे हाइट से आपको पूरा अरावली माउंटेन और पूरा जंगल दिखता है, विच मेक्स इट अ वेरी लग्जरी प्रोडक्ट, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने का। अभी मैं आपको इनके सेल्स ऑफिस ले जाऊंगा जहां पर लाइक हम आपको मॉक दिखा देंगे, विल शो कैसे क्या है। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, कंपनी इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिलीवर करना चाहती है, मतलब पर्सनली ओनर्स आर इन्वॉल्व्ड टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट। एक होता है ना कि दे वॉन्ट टू क्रिएट देयर नेम इन द अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट एक्चुअल में, सो दिस इज देयर टेस्ट एक्ट, तो मैंने पूरा दमखम लगा दिया इस प्रोजेक्ट को बनाने में, विल ट्राई टू डिलीवर द बेस्टेस्ट प्रोजेक्ट। ऐसे ही एंट्री होगी प्रोजेक्ट की, मतलब इन फ्यूचर भी, तो ये जो आप सेल्स लाउंज देख रहे हो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, टूट के हट जाएगा बट बाद में यहाँ आपका कमर्शियल आ जाएगा, बट इनकी अपनी एंट्री एग्जिट अलग होगी, तो यू विल हैव अ सेपरेट एंट्री एग्जिट, सीधा आपको प्रोजेक्ट की तरफ ले जाएगा उस तरीके से, एंड यू विल बी ऑफ टू गोल्फ कोर्स रोड। सो जो ट्रैफिक अभी हैसल बैसल है ना, वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको व्यू मिलेगा ब्यूटीफुल वहां से, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। नहीं तो क्या होता है कई बार ना, आप बिल्कुल बैंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड रहते ना, तो कई बार यू विल फील लाइक नॉइजी, तो दिस इज जस्ट अ पैसेज वे, और आई टेक यू टू द सेल्स ऑफिस, बहुत कुछ समझाएंगे, देर आर 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, देर आर सर्टेन डुप्लेक्स ऑल्सो, सम पेंट हाउसेज ऑल्सो, एंड पेंट हाउसेज विद टेरेस ऑल्सो, यहाँ इन्होंने सेल्स लाउंज बनाया है, जब आप आओगे तो हम आपको सेल्स लाउंज ही दिखाएंगे। दिस इज अ सेल्स लाउंज, हमारे फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं ट्यूलिप में, काफी अच्छे एम्बियंस बना रखे इन्होंने, आई शो यू द मॉक ऑल्सो, एवी हम देखेंगे क्योंकि एवी मैं पुट कर दूंगा वीडियो में, बट इन्होंने इतना प्यारा एवी लगा रखा है इन्होंने, जैसे दिस इज सच एवी 180 डिग्री में इन्होंने एवी लगाया हुआ है, तो अगर आप वहाँ बैठ के देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि आप पूरे सोसाइटी के अंदर खुद वॉक, मतलब लाइक आपको कार्ट ले जा रहे हो और आप पर्सनली व्यू करें हर चीज को, तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, मतलब बहुत बड़ा एवी है, देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको बता रहा हूँ। और ठीक है, नेचुरल से बात है प्रीमियम प्रोजेक्ट, आपको सेल्स लाउंज देख के पता लग जाएगा सच प्रीमियम प्रोडक्ट। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ ब्यूटीफुल मॉक के अंदर। देखो मॉक होने से ना फायदा ये होता है कि एक मिनिएचर क्रिएट हो जाता है प्रोजेक्ट का, हम समझा सकते हैं, तो बिल्डर आज के डेट में मॉक यूज करते हैं, दे यूज द लाइक एवीज जो आप देखते हो, जिसके कई सारे इमेजेस में लगाता हूं वीडियोस में, तो उसे विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है प्रोजेक्ट का, इससे ना कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या है ना कि एवरी प्रोजेक्ट इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ, एक पूरा डिजाइन क्रिएट करने में, पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में साल साल डेढ़ साल लग जाते हैं, तो ये चीज एग्जैक्टली, तो उसी हिसाब से प्रोजेक्ट डिसाइड होता है कैसा क्या बनना है एक्चुअल में। सो ये आप देख लो पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये 20 एकर्स का प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, ये देखो, देर आर टोटल 10 टावर्स। एक लाइन से मैं आपको समझाता जाऊंगा, सिंस ये अपना गोल्फ कोर्स रोड है जहां से मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, मेट्रो स्टेशन आपके जस्ट बैंक अपोजिट है, रैपिड मेट्रो, तो गोल्फ कोर्स रोड आपको पता है कि गुड़गांव का सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट हब है। अब गोल्फ कोर्स रोड से ये प्रोजेक्ट ऑफ पे है, मतलब एंट्री प्रोजेक्ट का यहीं से है, बट क्योंकि इन्होंने क्या कि फ्रंट पे दे हैव गिवन अ कमर्शियल एरिया, उसके बाद प्रोजेक्ट इन्होंने पीछे की तरफ दिया है, इससे आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो गोल्फ कोर्स रोड का जो अपना ट्रैफिक है हैसल वैसल, उससे आप दूर हो गए और आपको एक स्मूथ एंट्री भी मिल गई। अब क्योंकि ये कमर्शियल है, यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटीफुल कमर्शियल, अब आपको ये लगेगा कि यार प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में बना दिया, एंट्री में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपकी कार आएगी, कमर्शियल की अपनी अलग एंट्री है, कमर्शियल के लिए द पर्सन आइदर ड्रॉप ऑफ लेते हैं तो यहाँ ड्रॉप ऑफ लेंगे, या वो सीधा अंदर जाएंगे, सीधा बेसमेंट के अंदर, तो कमर्शियल वालों के लिए और कोई लेन नहीं है, तो बाकी जो ये दो लेन दिख रहे हो ना, ये अपार्टमेंट्स के लिए है, तो आपको कोई भी तरह के डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी। और ज्यादातर इसमें कमर्शियल में जो भी चीजें बनेंगी वो जैसे ज्यादातर जैसे कार के शोरूम्स हो गए या काइंड ऑफ डिस्प्ले काइंड ऑफ यूनिट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फुटफॉल दिखेगा कि मतलब लोग बहुत ज्यादा भीड़ लगा रहे हैं, तो वो ये थीम का कमर्शियल नहीं है,
स्लाइटली डिफरेंट है आपका। अब आप एंटर करते हो, यू कैन सी लॉट ऑफ प्लांट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिंगापुर स्टाइल में डिजाइन है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो सिंगापुर के प्रोजेक्ट्स में कॉमन होती है। जैसे कि एक तरफ आप देखो, देर आर हैंगिंग गार्डन्स, ये जो हैंगिंग ट्रीज आप देख रहे हो ना, तो इसमें क्या होता है कि ये करीब 40, 45, 50 फीट की आपकी हैंगिंग गार्डन्स होती है, इसके ऊपर पूरा का पूरा प्लांटेशन बनता है। तो दीज आर वेरी कॉमन इन सिंगापुर। उसके अलावा यू विल सी लॉट ऑफ वाटर एक्टिविटीज। जब आप कार की मूवमेंट आगे से देखते हो विद एंजॉयिंग दीज ब्यूटीफुल एंट्रेंस, बुलेवार्ड, ग्रीनरी, दीज ऑल हैंगिंग ट्रीज, हैंगिंग गार्डन्स, उसके बाद जब आप आते हो ना एग्जैक्टली वहां एंट्री करने के बाद, यहां से डायरेक्टली यू हैव टू गो टू अ बेसमेंट। तीन लेवल की बेसमेंट है, बेसमेंट वन, बेसमेंट टू, बेसमेंट थ्री। देयर विल बी अ डेडिकेटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया इन द बेसमेंट। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत कम प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है, देर इज अ डिफरेंट रैंप फॉर बेसमेंट वन, बेसमेंट टू एंड बेसमेंट थ्री। सो आपको बेसमेंट अगर थ्री में भी जाना हो, टू में भी जाना हो, वन में भी जाना हो, हार्डली मैटर्स। नहीं तो जनरली क्या होता है कि आप बेसमेंट वन में जाते हो, फिर घूमते हो पूरा, फिर बेसमेंट टू में जाते हो, बेसमेंट थ्री में जाते हो। तो मतलब कहने का मतलब है देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी बेसमेंट यू आर, और विजिटर की पार्किंग भी वैसे ही होगी आपकी। तो ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है। यहाँ जब आप आते हो प्रोजेक्ट में, जब आप मतलब इस लोकेशन पे आप आ जाते हो, देयर इज अ प्रॉपर एरिया कि उस एरिया से आप आकर यू टेक अ कार्ट, दे विल प्रोवाइड यू अ कार्ट, जिस कार्ट से आपको जिस टावर में जाना हो आप जा सकते हो। पूरी सोसाइटी के अंदर इन्होंने कार्ट के लिए प्रॉपर वे बनाया हुआ है, रीजन बीइंग कि दे हैव केप्ट इट इंटायरली कार फ्री, और ये बहुत फायदेमंद होता है इंटायरली कार फ्री होना। ये आप ईवी में देखोगे आपको लगेगा कि यार जितना पीसफुली आप वॉक कर रहे हो, कोई गाड़ी की हॉकिंग नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ नहीं है। जो एक मदर की टेंशन आप समझ सकते हो कि गाड़ियों का आना जाना जो रिस्क होता है वो भी नहीं है। आप देखो सोसाइटी के बीचों बीच इन्होंने पूरा का पूरा आपका ब्यूटीफुल आपका कार्ट एरिया बनाया है आपका इलेक्ट्रिकल कार्ट चलाने के लिए। उसके अलावा एक ब्यूटीफुल आप देखना, कार्ट के अलावा भी दे हैव क्रिएटेड पूरा सेपरेट एरिया फॉर साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक। सो एक सिंगल पैच नहीं है एक्चुअल में कि यार आपको एक ही जगह कार्ट चलेगा आपका, एक ही जगह आपकी साइकिलिंग होगी, जॉगिंग होगी। तो उसके लिए कंप्लीट पूरा का पूरा पैसेज बनाया है। उसमें भी दे हैव ट्राइड टू गिव द मैक्सिमम ग्रीन एरिया, प्लांटेशन एंड ऑल। आप पूरे प्रोजेक्ट में देखना, पूरा प्रोजेक्ट क्योंकि ये सिंगापुर डिजाइन में बेस्ड है, तो कंप्लीट इन्होंने बहुत सारे वाटर बॉडीज दिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप गिनने लगोगे तो आई थिंक दे हैव गिवन लाइक 17-18 वाटर बॉडीज दी इन्होंने। हर चीज इज कवर्ड बाई वाटर बॉडीज। आप टावर्स के नीचे भी फुटहोल्ड में देखो तो देयर आप यू विल सी ब्यूटीफुल, आप देखो ना हर तरफ मतलब एक तरह से आइलैंड वाली फीलिंग आ जाती है। वो जो क्लब है बीच में आप देखो उसके चारों ओर वाटर बॉडी है, तो पूरी आइलैंड वाली फील आती है। पूल भी देखो कितना प्यारा पूल है और कितना प्यारा लग रहा है। तो दे हैव मल्टीपल पूल एक्टिविटीज, जैसे सपोज मान लो बीच में देयर इज अ प्रॉपर पूल, फिर देयर इज अ किड्स पूल, देयर आर सम जकूजी एक्टिविटी, ऐसे करके कुछ वाटर आइलैंड्स इन्होंने बनाए हैं, डिफरेंट थिंग्स। आप बीच में देखो लाइक व्हाट दे हैव गिवन, जो हैंगिंग ब्रिजेस है ना ये भी सिंगापुर स्टाइल में बना हुआ है सारा आपका एग्जैक्टली। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग। फिर इन्होंने जैसे सपोज मान लो और भी बहुत चीजें दे दी है। एक इन्होंने सपोज मान लो कि मैं सिर्फ ग्राउंड उसकी बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट, दे हैव गिवन सम संगन सिटिंग एरिया, एक प्रॉपर इन्होंने अदर देन लॉट ऑफ पार्टीज एरिया जो हर जगह होता है, इन्होंने प्रॉपर आपका एक अलग से पार्टी एरिया दिया है जहां पर 40-50 लोगों की गैदरिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। अब गाइज और इस तरफ टावर के पीछे चलते हैं। एक्चुअल में जब आप टावर के बैक साइड में जाओगे तो आप देख रहे हो हर टावर के एंट्रेंस में इन्होंने अलग से आपका मतलब वहां पर भी इन्होंने काफी सारा ग्रीन एरिया दिया इन्होंने। अब आप देखो वो जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर मंदिर है। गुड़गांव में बहुत कम सोसाइटीज होती है जिसमें अंदर मंदिर बनता है। उसके अलावा देर इज अ प्रॉपर डेली नीड की शॉप्स होती है वो है आपकी। सो बाहर जाने की किसी भी चीज़ की आपको जरूरत नहीं है। तो ये सारा आप देख सकते हो टावर के बैक का एरियाज है। ब्यूटीफुल डबल हाइटेड ये टावर लॉबी बनाएंगे आपका। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा या आप देखोगे स्टार्टिंग में कि मतलब हाउ दे आर गोइंग टू मेक, किस तरह के मतलब एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। ये आप देख रहे हो ये जो बीच का क्लब है, दिस इज 65,000 स्क्वायर फीट क्लब। तीन फ्लोर आपको वैसे दिख रहा होगा, तो एक लोअर ग्राउंड है, इसके अलावा तीन फ्लोर है, तो चार फ्लोर का क्लब है। सो दिस इज अमंगस्ट द बिगेस्ट क्लब। और ये वाटर फीचर बनाए इन्होंने, साथ में क्लब बनाए इन्होंने। इसमें जो सबसे सेकंड फ्लोर है ना आप देख रहे हो, वहां 300 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। इतना बड़ा मल्टीपर्पज हॉल बना रहे हैं। अब क्लब हाउसेज के अंदर क्या होगा, स्पा में आपको मिलेगा सॉल्ट रूम, सोना एंड जकूजी, मसाज रूम, हेयर पार्लर, स्टीम, ठीक है। अब आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट विद प्राइवेट डाइनिंग एरिया मिलेगा, रेस्टो बार मिलेगा, पेटिस्ट्री मिलेगी आपको, देर विल बी अ मिनी थिएटर। मिनी थिएटर किस तरह का होगा, आई विल शो यू। कार्ड्स लाउंज होगा, स्नूकर लाउंज, बैंकवेट हॉल, सिगार लाउंज, स्विमिंग पूल, किड्स पूल, गेमिंग लाउंज, जिम। लैंडस्केप आर्किटेक्चर में क्या होगा आप देख लो, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, सीरीन वाटर बॉडीज फीचर्स, देर विल बी अ जंगल वॉक, एलिवेटेड वॉकअवेज, या आप देखो एलिवेटेड वॉकअवेज। जैसे मैंने बोला था फैमिली पवेलियन, एयर क्लीनिंग प्लांट्स, किड्स प्ले एरिया, आउटडोर जिम, पॉन्स, एम्पी थिएटर। और इसके अलावा
इस क्लब की सबसे अच्छी खासियत यह है कि सपोज मान लो कल को आप पार्टी थ्रो करते हो, यू हैव 300 गेस्ट, किसी को भी सोसाइटी में डायरेक्टली ये पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ सेपरेट एंट्री फॉर द क्लब, क्लब बंदा यहां से अपना आ जा सकता है, तो क्लब वाले को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपना डायरेक्टली यहां से बंदा आएगा क्लब एंटर करेगा। सो वो सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, या मतलब वो भीड़ नहीं क्रिएट हो रहा है, वो सेपरेट ही सारी चीजों को क्रिएट की जा रही है। ये इतनी चीज इसलिए दी जाती है टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, मतलब हम कहते हैं ना एस्पिरेशन टू ओन, एक होता है कि बेस्ट लाइफ आपको मिलना, बेस्ट जेंट्री प्रोवाइड होना, वो सारी चीजें होती है। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू रियल एस्टेट, और आप देख ही रहे होंगे कि नया जो रियल एस्टेट है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज बीइंग ऑफर्ड प्रीवियसली। सो ये चीजें चेंज हो गई है, स्टिल्ट में फ्लैट्स नहीं होंगे क्योंकि वो टावर लॉबी में यूज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। अब आप ना एक चीज देखो इसमें ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 13 टावर्स, तो ये 6-7 टावर्स आपको ये दिख रहे हैं, और ये 3 टावर्स जो फर्स्ट 3 टावर्स थे एक्चुअल में, उस तीन में जो फर्स्ट 3 टावर्स थे पहले वाले, जिनकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छे स्टेज पे आ गई है, आपने देखा भी होगा या दिखा भी दूंगा आपको, तो उसमें क्या है कि देयर विल बी 4 फ्लोर्स। ये लगाया इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये लगा होता तो मतलब हम ओवर थ्रो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते थे। सो बेसिकली सिर्फ टावर का एक मार्क दिया गया कि सो दैट यू कैन सी। अब आप देखो गाइज, अब आपको हम इस पे बात करें क्योंकि देखो इट्स ऑल सोल्ड आउट, इट वॉज प्रीवियसली सोल्ड बाय विपुल, उसके बाद ये टेक ओवर प्रोजेक्ट ट्यूलिप ने लिया और वो बना रहे, बिकॉज दे टुक द प्रोजेक्ट सो दे आर मेकिंग इट, अदरवाइज इसमें कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो हम इसकी ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। अब आप ये टावर्स देख लो, ये 7 टावर्स है आपके, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप माउंटिंग से देख लो टावर का ऊपर का, जो ऊपर का डंपी मंपी एरिया दिख रहा है उससे आप देख लो। सो बेसिकली क्या है, जो भी आपको एक फ्लोर पे 3 फ्लैट दिख रहे हैं दे आर 3 BHK। सो देर आर, ये आपको 4 और 5 जो है ये 3 BHK, आप देखो एक फ्लोर पे 3 फ्लैट्स है स्ट्रक्चर से देखो, जिसके आगे नोज निकली हुई है, उसके अलावा जो बीच वाला टावर है दैट इज 4 BHK। 4 BHK के में सिर्फ 2 फ्लैट है पर फ्लोर, 3 BHK में 3 फ्लैट है पर फ्लोर, यानी कि दे हैव ट्राई टू गिव क्रॉस वेंटिलेशन एवरीवेयर, क्योंकि जब नोज यूनिट होती है यू हैव 3 साइड बालकनी, विंग यूनिट होती है तो यू हैव 2 साइड रनिंग बालकनी बोथ द साइड। 4 BHK में भी जब इन्होंने 2 फ्लैट दिए हैं तो देर आर लाइक वेरी गुड क्रॉस वेंटिलेशन सनलाइट। पैरेलली सेम चीज यहां पर भी है कि मतलब जो आपके 3 वाले हैं तो एक सिंगल टावर है 10, टावर नंबर 10 दैट इज 3 BHK, उसके अलावा बीच वाला इज 4 BHK। जो आपको कॉर्नर वाला टावर दिख रहा है, सो कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है 7 और 8 नंबर, दैट इज 5 BHK कंप्लीटली। 5 BHK भी आपका एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, ठीक है। अब व्हाट दे हैव डन, ये इन्होंने पिछले वाले में नहीं किया था जब विपुल इनको बेच रहा था, व्हाट दे हैव डन, दिस इज अ प्रोजेक्ट जहां पर यू हैव बीन गिवन प्राइवेट एलिवेटर, यानी कि आपकी लिफ्ट सीधा आपके टावर लॉबी पे खुलेगी, आपका अपना प्राइवेट लॉबी एरिया होगा, यू विल यूज एक्सेस कार्ड, अब जो एक्सेस कार्ड यूज करोगे वही उसी फ्लोर पे खुलेगा, ना आप किसी और के फ्लोर पे जा सकते हो ना अगला फ्लोर वाला आपके उस पे जा सकता है। सो दे हैव मेड अ ब्यूटीफुल प्रोविजन आउट ऑफ दिस, मैंने कई वीडियोस में ऐसे दिखाए हुए भी, आई थिंक महिंद्रा लुमिनार इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वेयर आई हैव शोन दिस। देयर विल बी 2 लिफ्ट्स अलग अलग है, जैसे 4 में 2 सेपरेट होंगे, 3 में 1 सेपरेट होगी, ऐसे करके। तो बेसिकली एक लिफ्ट आपको कॉमन जो सर्विस वाले लोग उनके लिए रखा जाएगा, सर्वेंट्स है वो अलग से एंट्री करेंगे आपके, या फिर मतलब लाइक जो बाहर से वेंडर्स आते हैं वो अलग से एंट्री करेंगे। तो होता है ना कि कई बार सर्विस वाले लोग होते हैं जो जिनको आपके घर आना है, उनके लिए कंप्लीट आपके लिए अलग एक सेटअप रखा जाएगा आपका। एक घर में प्राइवेसी भी रहती है और एक काइंड ऑफ फीलिंग भी आती है कि आपका अपना प्राइवेट लिफ्ट है। देयर आर सर्टेन सम डुप्लेक्स यूनिट्स आल्सो एंड देयर आर सर्टेन पेंट हाउसेस आल्सो। डुप्लेक्स यूनिट्स में जो आपका मतलब ये जो अप्रॉक्सीमेटली साइज आप देखोगे तो 6000 से लेके करीब 9500 फुट तक जाता है आपका। सो उसमें कुछ डुप्लेक्स भी है, कुछ पेंट हाउसेज भी है। पेंट हाउसेज में यू विल गेट टेरेसेज ऑल्सो, सो आप इसके लिए अलग से पूछ लेना मेरे से। बहुत कम यूनिट्स बची हुई डुप्लेक्स एंड पेंट हाउसेज की। उसके अलावा बहुत स्टैंडर्ड साइज होंगे, 3 BHK का साइज होगा 2874 स्क्वायर फीट टू 2892 स्क्वायर फीट। 4 BHK का साइज होगा 3684 स्क्वायर फीट एंड 5 BHK 4503 स्क्वायर फीट। अब गाइज एक और इस प्रोजेक्ट के बहुत ब्यूटीफुल पार्ट में आ पाओ, ये जो देख रहे हो ये एक स्पोर्ट्स एरिना है एंड दिस इज अ 2.5 एकड़ स्पोर्ट्स एरिना। अगर आपको स्पोर्ट्स एरिना देख के समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड एक प्रोजेक्ट है आपका गोल्फ स्टेट। गोल्फ स्टेट में उन्होंने एक स्पोर्ट्स एरिना अलग से बनाया है। सो आप देख रहे हो ये ढाई मतलब दिस इज अ 2.5 एकड़ लैंड। अब आप देखोगे जिसमें एक 15,000 स्क्वायर फीट का एक अलग से बिल्डिंग है, उसमें भी देर आर सर्टन फैसिलिटीज। बाकी आप देखो देर आर 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स, 4 या 5 आपके आई थिंक क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिचेस हैं, देर इज अ गोल्फ पुटिंग इन बिटवीन, देर इज अ गोल्फ ड्राइव वे, ये आप देखो देर इज अ गोल्फ ड्राइव वे, और ये जो दिख रहा है ना बीच में दिस इज अ मल्टीपर्पज कोर्ट। तो मल्टीपर्पज कोर्ट इसलिए होता है कि यू कैन प्ले फुटबॉल ऑल्सो, समटाइम्स यू कैन प्ले लाइक हैंडबॉल, लाइक यू कैन प्ले क्रिकेट ऑल्सो। तो बेसिकली आजकल जो कोर्ट्स की जो वो होती है ना वो भी शिफ्टिंग वाली होती है, जैसे सपोज मान लो जो गोल पोस्ट होती है ना वो भी यू कैन चेंज इट, तो वो मल्टीपल तरीके से यूज होगी। ये 2.5 एकड़ आपने ऊपर वाला देख लिया, अब इसके नीचे पूरा का पूरा देर इज अ LG लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड के अंदर फिर वापस से 2.5 एकड़ की आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो बेसिकली है 2.5 एकड़ का ग्राउंड एरिया, बट ये एक्चुअल 5 एकड़ का हो जाता है क्योंकि यूजेबिलिटी के हिसाब से इट इज डबल नाउ। उस केस में आप देखोगे तो यू विल हैव लाइक
बैडमिंटन कोर्ट्स विच विल बी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, देन यू विल हैव इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट. सो एनीबडी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट, दे कैन हैव दिस ब्यूटीफुल थिंग. अब गाइज आप ना इस प्रोजेक्ट के अंदर देखना, देर आर सर्टन प्रोजेक्ट्स विच इज गिवन स्काई वॉक. एक्चुअल में मैंने एक्सपीरियन विंडशेंट में शूट किया है, वो जो स्काई वॉक एक्चुअल में बहुत प्यारा लगता है आपको बता रहा हूँ, पर एक्सपीरियन का स्काई वॉक बहुत प्यारा है, बट इनका उससे भी ज्यादा प्यारा है. बिकॉज ये 40th फ्लोर पे होगा आपका, 40th फ्लोर पे दे आर मेकिंग अ डेडिकेटेड स्काई वॉक ऑफ 35,000 स्क्वायर फीट. यानी कि आपके पास कितना एडिशनल क्लब है, 75,000 फुट की आपको एक बिल्डिंग मिल गई, उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स का इतना बड़ा एरिना मिल गया, क्लब ही क्लब है आपके लिए. और 35,000 स्क्वायर फीट वो भी आपको क्या एक्सपीरियंस देगा. दे विल वहां पर प्रॉपर उस फ्लोर पे दे विल मेक लाइक एक प्रॉपर स्प्लैश पूल बना रहे हैं, एक बहुत प्यारा सा लैंडस्केप एरिया बना रहे, तो यू कैन वॉक, हैव अ वॉक ऑल्सो. 40वें फ्लोर पे वॉक करके अपने आप में मजा आएगा, यू विल हैव अ लाइब्रेरी. ये जो चीज होती है ना, मजा आता है एक्चुअली. फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स में गया और ये बेसिकली ये जो स्टाइल है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जो सिंगापुर का वेरी प्रीमियम प्रोजेक्ट, तो उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड है सिंगापुर डिजाइन से आपका. दे विल हैव रेस्टोरेंट्स एंड दे विल हैव अ जिम. उस एरिया में भी जिम होगा आपका और गेस्ट लाउंज भी बनेगा आपका अलग से. ऊपर ऑब्जर्वेटरी होगा, आप ब्यूटीफुली मतलब नहीं होता कि हाई राइज वहां से व्यू करना, बहुत अच्छा अरावली का व्यू आता है. देयर विल बी बिजनेस सेंटर, वहां बैठ के बिजनेस की बातें करना, ऑफिसेस की मीटिंग करना, वहाँ बैठ के काम करना, आपका एनर्जी डबल हो जाएगा. कार्ड्स लाउंज है, खेलना, पत्ते, कितना मजा आएगा. ऊपर से लाइब्रेरी, वाओ व्हाट अ फीलिंग. स्प्लैश पूल, इन्फिनिटी पूल पे बैठ के क्या मजे करोगे आप. आउटडोर जिम ऑन द डेक और उसकी सेपरेट बेसिकली ये है ना कि ऐसा नहीं कि आप टावर के अंदर से जाओगे, प्रॉपर उसकी लिफ्ट होगी अलग से, तो वो अलग से जाओगे, यू विल यूज द टेरेस एंड यू कैन कम बैक, तो टावर वालों को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी. अब बात करते हैं टावर लॉबी, क्योंकि दिस इज अ प्रीमियम प्रोजेक्ट, सो एवरी टावर विल हैव अ डबल एंट्रेंस लॉबी, 5-star क्लास में बनाया जाएगा, वेयर देयर विल बी प्रॉपर लाइक सिक्योरिटी. सपोज मान लो कि वंस यू कम, तो हर टावर में देयर विल बी एक, तो आपका हर टावर के सामने हो गया पोर्टे कोचे कहते हैं इसको, कि एक बेसिकली एक अराइवल प्लाजा होता है आपका, जिसमें वाटर बॉडीज भी आपको दिखेंगी, तो एक काइंड ऑफ सीन आप देख सकते हो. Once you enter this, it will give you a 5-star class of experience, जिसमें double heighted होगा. मैं आपको जो बाहर की lobby का scene है ना, वो somewhere similar है उस तरीके से. एक security guard होगा आपका. उसके अलावा ये there will be proper waiting lounge, there will be concierge desk. अब guys, Tulip as a builder की मैं बात करूँ, तो देखो Tulip गुड़गांव का boutique developer है. Projects अगर आप delivered projects की भी बात करोगे ना, तो they are completed projects. आप देखो Tulip Grand 35 ये गुड़गांव में नहीं है, this is Sonipat I think. Tulip Avenue 69, Tulip Ace है, Petals है, Tulip Purple है, Tulip Leaf. इसके अलावा आप देखोगे ट्यूलिप वाइट है, वॉयलेट है, ऑरेंज है, लेमन है, आइवरी विलाज है, आइवरी 70 है. तो ये इन्होंने काफी प्रोजेक्ट बनाए. नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट. दिस प्रोजेक्ट वॉज टेकन बाई विपुल, वेरी कैश रिच कंपनी और वेरी रिजर्व कंपनी. मतलब रिजर्व इन सेंस की लिमिटेड प्रोजेक्ट लेते, लिमिटेड प्रोजेक्ट बनाते, कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम सब कुछ. मतलब कभी भी आप ट्यूलिप के बारे में कंप्लेन नहीं सुनोगे, यू विल नेवर हेयर एनी कंप्लेन अबाउट ट्यूलिप. और इट्स अ जीरो डेप्थ कंपनी, खुद अपने पैसे से बनाती, इन हाउस कंस्ट्रक्शन करती है. वो भी आपको रेस्ट अश्योर्ड रहना है कि मतलब यू आर हैविंग समथिंग एट अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. बाकी मैं आपको साइट पर भी लेके जाऊंगा, सो दैट लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन सी. मैंने बात की उनसे कि मतलब फ्रॉम लाइक जो उनके अपने लिफ्ट्स होते हैं ना, एलिवेटर लेबर वाला, उससे हम जाके मतलब देखो ये सब आपके लिए रिस्क लेना पड़ेगा एक्चुअल में, कि 22वें 23वें फ्लोर पे दे विल टेक, वहाँ से विल जस्ट हैव अ व्यू. एक्चुअल 24वें फ्लोर पे विल गो, तो विल हैव अ ब्यूटीफुल व्यू, वहाँ से भी देखेंगे क्या बन रहा है नहीं बन रहा. तो एक्चुअल क्या है ना, वहाँ से भी आपको आइडिया होगा. एक्चुअली ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपको अपना बेस्ट एक्सपीरियंस मिलते जाए. अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी जानना हो, जैसे 3BHK, 4BHK, 5BHK, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन डिफरेंट लॉट्स, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट टावर्स. देयर आर सर्टेन डुप्लेक्सेस, पेंट हाउसेस, हर के अपने प्राइस है. आप कॉन्टैक्ट करना, विल मेक यू विजिट. एक्चुअल में देखो हड़बड़ी नहीं है, हम कभी चेज करके आपको परेशान नहीं करेंगे. मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, मेरी टीम बहुत एक्सपीरियंसड है. तो होता है ना कि और जो भी सजेशन देते, बेस्ट सजेशन देते, बेस्ट इन द मार्केट. क्योंकि अब गुड़गांव में आपको गोल्फ कोर्ट रोड पे प्रॉपर्टी लेनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में, दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी. नो न्यू FSI इज अवेलेबल ऑन गोल्फ कोर्ट रोड. आएंगी मे बी, तो थोड़े अंदर आ सकती है. बाकी आपका इसका कंपटीशन हो सकता है सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी डिलीवर्ड है गोल्फ कोर्ट रोड पे. अब कैमिलियाज छोड़ देते, कैमिलियाज एक अलग लेवल पे चली जाती है. बट समथिंग आप कहते हो कि मतलब क्रेस्ट लेना आपको, तो क्रेस्ट इज ट्रेडिंग एट 32-33,000 रुपए. 5-6 ईयर्स डाउन द लाइन आई थिंक वो 40-42,000 रुपए हो जाएगी. तो ऑलमोस्ट दे विल हैव द सेम रेट एक्चुअल में, क्योंकि क्वालिटी सेम है प्रोडक्ट का ना. मे बी हो सकता है इन सम कंडीशन दे मे बी बेटर एक्चुअल में. तो आपको मे बी हो सकता है कि एक प्रीमियम का जो वो है ना, वो सेम मिल जाएगा आपको. आसपास गोल्फ कोर्ट रोड पे भी वैसे आपको बता दूं, जब ऊपर से जब आप जाएंगे विल शो यू सारा अरावली माउंटेन में सिर्फ, तो ब्यूटीफुल ग्रीनरी व्यू. गाइस देखो इतना रिस्क ले रहा हूं आपके लिए, मैं इसके 24वें फ्लोर पे जाऊंगा और वहां से ना आपको व्यू दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन का. कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से जाना होता है, आप देखना सारी चीजें, इसीलिए बोलो बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लिए. तो चलो चलते हैं, कम से कम देखते हैं एटलीस्ट क्या क्या मिलेगा. ओवरऑल आप व्यू भी देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन किस पेस पे चल रही है आपकी. ये एक लाइव शो है आपका. 700 से ज्यादा लेबर्स है गाइज यहाँ पर अभी जो काम कर रहे हैं. गाइज आपको बता दूं, ट्यूलिप के ना जो भी आप देख रहे हो ना, एवरी टीम कंस्ट्रक्शन से लेके आर्किटेक्ट्स, लेबर्स, मेसन्स, दे आर ऑल इन हाउस.
ये आउटसोर्स नहीं करते कंस्ट्रक्शन, आप जगह जगह देख लेना कि मतलब आपको बोर्ड्स भी दिख जाएगा आपका। जैसे रियल इस्टेट में दे रखा टू काइंड ऑफ थिंग आपको बता देते हैं, एक बिल्डर होता है जो किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन वहाँ पर आप देखना वो कंस्ट्रक्शन अलग टीम करती है, बिल्डर सिर्फ बेचता है उसको और CRM मेंटेन करता है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है, ये 100% ट्यूलिप का ही प्रोडक्ट है फ्रॉम स्क्रैच। एक एक चीज़ें जो दिख रही है सारी की सारी चीज़ें दे आर देयर ओन एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में। गुड़गांव में बहुत फ्यू बिल्डर्स हैं जो इन हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें से बेस्टेक इज़ वन ऑफ देम, शोभा इज़ वन ऑफ देम, ये दो का तो मुझे बहुत पॉपुलरली पता है। और कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बिल्डर बन गई है, जैसे शाहपुर जी एंड ऑल है, तो वो तो नेचुरल सी बात है दे विल डू देयर ओन कंस्ट्रक्शन, बट ज़्यादातर आउटसोर्स करते हैं कंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट 90% ऑफ द डेवलपर इन गुड़गांव आउटसोर्स देयर कंस्ट्रक्शन। ये देख लो गाइज, कंस्ट्रक्शन लिफ्ट है, आप जब लिफ्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो एकदम आपको केक वॉक टाइप मिलता है, इसमें देखना कितना डगडग करेगा, आवाज़ आएगी, और जो भी आपकी मूवमेंट्स होती है ना लेबर्स की, उसी के थ्रू होती है आपकी। तो अभी हम जा रहे हैं 24वें फ्लोर जा रहे हैं ना, 24th फ्लोर जाएंगे हम, ग्राउंड फ्लोर 39 इसकी हाइट है, 39 फ्लोर की बिल्डिंग है वैसे। तो वी विल गो टू 39 प्लस में स्काई हब जो तो ऑलमोस्ट 40वें फ्लोर की बिल्डिंग होगी, 40 फ्लोर्स ऑलमोस्ट, मिडवे जाएंगे हम, मिडवे से थोड़ा सा ऊपर। आप देखो अब हम गाइस पहुंचने वाले डेस्टिनेशन फ्लोर पे। ओ गाइस देखो जी, तो गाइज एक तो ये देख लो मैं आ गया, तो आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को देखते हो तो आपको पता लगता है कैसे फिनिशिंग होकर मिलती है। कंस्ट्रक्शन इन्होंने यूज की है, नेचुरल बात है, एल्युमिनियम फोम वर्क कंस्ट्रक्शन है, माईवन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं। माईवन एक्चुअली एक पेटेंट का नाम है, कंपनी है जिसके पास इसका पेटेंट है। एल्युमिनियम फोम वर्क इज द राइट टर्म वी यूज इट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आप ये वॉल्स देखते हो ना, ये आपके पिलर्स ही होते हैं एक्चुअल में, एंड दे आर वॉल्स ऑल्सो एंड दे आर द पिलर्स ऑल्सो, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और कंस्ट्रक्शन ग्रेड जो ये यूज करे दैट इज M60, क्योंकि क्या होता है दिस इज द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड वर्क इन गुड़गांव। लोग कहते हैं माईवन हो रहा है माईवन हो रहा है, बट माईवन में भी ना ग्रेडिंग होती है, नेचुरल सी बात है कि एक बंदा अफोर्डेबल बना रहा है 4,000 रुपए फुट का, जो भी कारपेट एरिया 4,000 रुपए फुट पे प्रोजेक्ट बेच के माईवन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और एक बंदा 25,000 रुपए फुट में प्रोजेक्ट बेचता है या एक बंदा 50,000 रुपए फुट में बेचता है, तो दे कैन नॉट बी सेम एक्चुअल। So this is the M60 grade which is highest top notch in Maiwan industry all over the world. इससे strong construction नहीं हो सकती आपकी in the Maiwan technology. So this is one of the most best construction जिसको आप आगे check भी कर सकते हो यहाँ से। अब आप view देख लो, क्योंकि देखो हम 23 से ऊपर नहीं जा पाए, मैं कोशिश करूँगा आपको drone से वो view दिखा दूँ आपको, बट आप एक ना view देखना 23rd से भी आप देखना क्या view आ रहा है आपका। और ये जिस तरीके से flat बना रहे हैं ना, every flat has got two side open balcony, तो ये आपको layout पे भी पता लग जाएगा। पर मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, आप देखो ना ये पूरा DLF का जो एक तो उधर तो आपका गोल्फ कोर्स है DLF का वो दिखता है आपको, इधर पूरा अरावली है, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी आपकी, ये पूरा क्योंकि ये पूरा NGT के अंडर में आता है। जितने भी आप देख रहे हो ना, क्रेस्ट ऑफ पार्क प्लेस है आपका, तो आप देख लो ये सारा ना ये NGT के अंडर आ रहा है, ये ग्रीन आप देख लो। तो दिस इज द एक्चुअल व्यू यू विल गेट, जितना आप हाइट पे जाओगे और ज़्यादा वो आएगा। और आप आसपास देख लो, देर इज लाइक जो बिल्डिंग्स होंगी जहाँ से आउट व्यू आएगा आपका, कोई ब्लॉकेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो दिस द अमेजिंग थिंग एक्चुअल में। व्यू बहुत मज़ेदार रहेगा आपका, गोल्फ कोर्स रोड है तो आप देख ही सकते हो, और आज अच्छी बात है कि मौसम थोड़ा साफ है, वैसे तो बारिश हुई है बट मौसम साफ है तो थिंग्स आर अमेजिंग। बाकी जैसे सीलिंग हाइट एंड ऑल देख लो, क्योंकि ये तो आप जो एक्चुअल चीज़ ले रहे हो उसके बारे में आप देख रहे हो, तो सीलिंग हाइट आप देख लो वो भी ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने आपको बताई देखे M60 ग्रेड में हो रही, तो कंस्ट्रक्शन वाइज भी यू रेस्ट एश्योर्ड इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एक्चुअल में। क्योंकि ट्यूलिप ना अपने आपको मतलब दे वॉन्ट टू डिस्प्ले देमसेल्फ एज अ फ्यूचर रियल इस्टेट किंग ऑफ गुड़गांव, तो नेचुरल सी बात है दे हैव टू डिस्प्ले समथिंग जो इंडस्ट्री से एट पार चलता है एक्चुअल में। एक होता है ना एक बिल्डर नाउ की स्टेज पे जाना चाहता है एक्चुअल में, तो दिस इज़ अ थिंग। और नेचुरली कहते हैं गोल्फ कोर्स रोड का प्रोडक्ट है तो उनको उस तरह से डिलीवरी देनी ही पड़ेगी। तो आप एक व्यू भी कर लो कि कैसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, ये तो आउट ऑफ योर क्यूरोसिटी देख लो कि जैसे क्या होता है ना कि कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, कैसे हमें कई बार आना होता है, कई बार नहीं आना होता, ये चीज़ें होती है। जैसे आपने वो फ्लैट देखा, फिर ये है बीच में लिफ्ट लॉबीज होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होती है। इस तरह के फ्लैट्स आप देखो, बालकनी है एक तरफ, आपको ये बालकनी मिल गई, इधर ये बालकनी मिल गई, इधर का व्यू आप देख लो कितना नीट एंड क्लीन आएगा, फिर उधर आपकी अलग व्यू आ जाती है बालकनी की, ये किचन है वो आपकी बालकनी है, ये बाकी रूम्स है आपके, तो हर तरफ से मतलब इन्होंने क्या किया ना एक्चुअली दे हैव बालकनी ने दोनों साइड दी है एक्चुअल में फ्लैट के अंदर। अगर आप व्यू करोगे तो एवरीवेयर देर इज अ बालकनी, तो आप नेचुरली भी बहुत अच्छा ग्रीन लाइट और वेंटिलेशन रहेगा ये फ्लैट्स के अंदर। एक्चुअली हम तो कंस्ट्रक्शन साइट पर लाइट आप देख लो फुल फ्लेज्ड लाइट आपका, यू हैव बालकनीज ऑल द साइड, सो यू विल गेट जब सन जिस वक्त भी रहे, ईस्ट में सुबह की धूप अलग आ जाएगी अलग बालकनी से, साउथ की अलग बालकनीज जहाँ आपकी वो बालकनीज है, वेस्ट की अलग आ जाएगी, तो इस तरीके से मल्टीपली आपको धूप आती रहेगी और क्रॉस वेंटिलेशन आता रहेगा, क्योंकि अभी हम खड़े तो इट फील्स
बिट विंडी एक्चुअल में, तो लग रहा है कि हाँ वी आर एंजॉइंग टू मच, ठीक है ना। आप सीलिंग हाइट भी देख लो, आपका 10.5 है विच इज़ लाइक एक अच्छी सीलिंग हाइट की पहचान है, नहीं तो 9-9.5 तक का होता है। और क्योंकि ये माई वन कंस्ट्रक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो तो आपको भी क्यूरियोसिटीज देखे बार देखने की, देखो ये प्री फिटेड हो जाते सारे के सारे। पहले क्या होता था कि पहले ब्रिक्स लगती थी, फिर उसके ऊपर आपका सीमेंट लगता था, फिर उसके बाद इसको कटिंग करते थे, तो इसलिए टाइम लगता था पूरा का पूरा प्रोसेस में। अब क्या सब कुछ प्री फिटेड आता है आपका, इट्स कम्प्लीटली फिटेड अंदर, प्लम्बिंग के भी जो भी पाइप्स वाइप्स होंगे, इलेक्ट्रिक के भी जो भी चीज़ें, दे आर प्री फिटेड। इसीलिए माई वन की कंस्ट्रक्शन एक तो जल्दी हो जाती है क्योंकि फ्लोर्स भी जल्दी डल जाते हैं, और उसके बाद भी सुपर स्ट्रक्चर बनने के बाद भी जो फिनिशिंग है ना वो धड़ाधड़ हो जाती है, और दे आर स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, तो दैट इज सम सच अ बिग रिवॉल्यूशन इन द इंडस्ट्री, और सब उसका फायदा लेंगे। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा लेबर में एक्स्ट्रा टाइम में खर्च हो जाती थी, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल में खर्च होता है आपका। सो गाइज, मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया, आई हैव शोन यू मॉक ऑल्सो, कंस्ट्रक्शन साइट ऑल्सो, सेल्स गैलरी ऑल्सो, लोकेशन फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, जो आपने देखा मेट्रो वेट्रो चल रही है आपकी, रैपिड मेट्रो एंड ऑल। अब फ्लैट्स की सारा कुछ मैंने आपको डिटेल दे दिया, ओनली थिंग जस्ट आई वॉन्ट टू टेल की वॉट विल बी इनसाइड द फ्लैट एक्चुअल में। एक तो जो कंसर्न होते हो, देखो यू हैव सीन द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड ऑल एवरीथिंग, आपने ग्राउंड पे भी जाके देखा है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैट क्या है, फ्लैट विल बी वेरी वेल वेंटिलेटेड क्योंकि यू हैव बालकनीज इन मल्टीपल डायरेक्शन, इससे आपका क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फॉर 4 and 5 BHK, क्योंकि 4 and 5 BHK में तो टू साइड ओपन बालकनीज है। इनफैक्ट 3 में भी देर आर जो टू विंग्स है उसमें टू साइड, मतलब बालकनीज दोनों तरफ से फ्री फ्लो होता है, जब दो तरफ से बालकनीज होती है आपकी, फ्रंट में भी नोज है तो देर विल बी 3 side balconies। तो बालकनी का ना आप इस प्रोजेक्ट में आपको क्रॉस वेंटिलेशन व्यू या सनलाइट का आपका कभी प्रॉब्लम नहीं आना। सीलिंग हाइट इज अमेजिंग 10.5 feet, और वो आपने मतलब कंस्ट्रक्शन लॉबी भी देखा होगा कि मतलब इट्स अमेजिंग, तो अच्छा लगेगा, रॉयल लगेगा। गेट्स विट्स भी मतलब आप साइट पे देखोगे तो यू विल फाइंड कि इट्स बिग, लग्जरी लगता है आपका। फुल्ली लोडेड यूनिट देंगे ये, जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या चीज़ चाहिए, तो आई नो कॉस्ट तो इन्वॉल्व होते ही होते, उसके बाद हेडेक भी इन्वॉल्व होता है, उसको देखते हुए दे विल गिव यू लाइक इंपोर्टेड मार्बल, वो भी इंपोर्टेड मार्बल भी एक सिंपल मार्बल दे दिया होते विद डिजाइंस दे दिया, तो दे विल ट्राई टू गिव यू सम डिजाइंस इन द इंपोर्टेड मार्बल। दे आर गोइंग टू गिव यू VRV एयर कंडीशनिंग एवरीवेयर, जिसमें दे विल गिव यू डक्टिंग, क्योंकि डक्टिंग का मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट में जो शूट करते हो ना, डक्टिंग सब जगह नहीं होती है, ड्रॉइंग डाइनिंग में डक्टिंग होती है, रूम्स में आपकी स्प्लिट यूनिट्स होती है आपकी, तो ये चीज़ होने से, और फॉल सीलिंग पूरा बना के देंगे। वुडवर्क इनका बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, तो वुडवर्क आप देखना, बाथरूम फिटिंग्स कंप्लीट होंगी, चाहे मतलब WC हो गया चाहे CP फिटिंग्स हो गए, तो फुल्ली फिनिश्ड वॉशरूम्स होंगे आपके। मैंने ना इनके मतलब डिजाइन पार्ट्स में देखा था कि मतलब व्हाट दे आर यूजिंग, इनफैक्ट इनका सैंपल पैड भी बहुत जल्दी बन जाएगा, जस्ट डिजाइन पार्ट पे देखा था कि इनका VRV कंडीशन हैंग्ड एक्चुअली वॉल पे, वो जो एरिया है ना फ्लैट में VRV यूनिट के चक्कर में कुछ एरिया खराब होता ही होता है, चाहे वो 85 feet हो, बट होता है, वो चीज़ बिल्कुल सेव हो जाएगा आपका, वो कंप्लीट आपका अलग से लगेगा। ये चीज़ें हैं, प्राइवेसी का काफ़ी ध्यान रखा गया है। एक तो 5-tier सिक्योरिटी होगी आपकी, मेन गेट पे यू विल हैव अ सिक्योरिटी, देयर विल बी गार्ड्स अराउंड, बेसमेंट सब जगह CCTV कैमराज होंगे आपके, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी आपकी, टावर लॉबी के अंदर देयर विल बी प्रॉपर गार्ड्स। के अलावा जो फ्लैट है आपका, फ्लैट के अंदर भी देयर गिविंग यू डिजिटल लॉक एक्चुअली में, आपकी स्पीड का काफ़ी ध्यान रखा गया ताकि आपके लिए अपना प्राइवेट एलिवेटर हो, आप जल्दी से जल्दी फ्लैट में पहुंच पाओ। तो किचन विल बी फुल्ली लोडेड, चाहे आपके वार्डरोब किचन के जो मॉड्यूलर किचन हो, उसका हॉब चिमनी हो, और सब बेस्ट टू बेस्ट ब्रांड्स के होंगे एक्चुअल में। उसके अलावा वाइट गुड्स होंगे सारे कम्प्लीटली। तो बेसिक एजेंडा इनका ये है कि यार इट्स अ फुल्ली लोडेड यूनिट, आप आओ लूज फर्नीचर लेकर यू स्टार्ट ले भाई, उसके अलावा आपको कोई हेडेक नहीं लेना है यहाँ पर। सो गाइज, आई होप मैंने इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को जस्टिफाई किया होगा, और आपको जो ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, जिस तरीके की चीज़ें डिलीवर करना चाह रहे हो, आपको विजुलाइज कराने की कोशिश की होगी, जो भी वॉट एवर द स्पेसिफिक, चाहे लोकेशन हो, चाहे डेवलपर का अपना प्रोफाइल हो, चाहे प्रोडक्ट हो, क्योंकि प्रोडक्ट समझने में यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम। मैंने EV भी आपको कोशिश की दिखाने की, विल पुट लॉट ऑफ EVs ऑल्सो इन बिटवीन। जस्टिफाई किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, बट बिलीव मी एक बार कॉल करके हम आओगे और हम एक्चुअल में आपको जब सारी चीज़ों को ऑन ग्राउंड दिखाएंगे ना, आपको मजा आ जाएगा प्रोडक्ट देख के। दिस इज अ प्रोडक्ट यू मस्ट कंसिडर टू सी। सो गाइज, बाकी आई होप मैंने कोशिश की होगी आपको बहुत कुछ समझाने की, और दिस इज हेरा End my video. Thanks for listening. God bless you all.